वेलकम माई वेरी प्रीशियस एक्वेरियस टू योर यू वर्सेस देम रीडिंग। आई नो आपकी रीडिंग थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार थी पिछले 10 दिनों से। सो मैं इनफैक्ट बहुत दिनों बाद रीडिंग करने बैठ रही हूँ। सो सबसे पहले तो ये एक जनरल रीडिंग है, आप शायद रेजोनेट करें या फिर शायद आप रेजोनेट ना करें। और जो लोग भी नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हम इस रीडिंग में क्या करते हैं। बेसिकली हम इस रीडिंग में ये देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं और आप दोनों मिलके कौन सी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी पर्सन की ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है, फिर वो आपको कैसे देख रहे हैं अभी और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं या फिर इस कनेक्शन के टूवर्ड्स क्या फ़ील कर रहे हैं। ठीक है, और या सो लेट्स गो, लेट्स सी। सो ये वाली जो स्पेस है ये आपके पर्सन की है और ये वाली आपकी है। तो सबसे पहले आपके पर्सन के कार्ड, आपके पर्सन के कार्ड देखते हैं। ओके, वी हैव फोर ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, द हाई प्रीस्टेस, ओके, द टावर। ओ माय गॉड, तीन तीन मेजर आर्कानास हैं आपके पर्सन की साइड पे, मतलब इनकी लाइफ में बहुत सारे मेजर इवेंट्स चल रहे हैं। एक्वेरियस, काफ़ी कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। ओके, ऑल राइट, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनकी आपके पर्सन की लाइफ में कोई कनेक्शन है, शायद आपसे रिलेटेड ही कनेक्शन मुझे दिख रहा है क्योंकि अभी हम ये वाली जो रो है ये ओवरऑल लाइफ की है उनके। तो ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में कुछ कमिटमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि यहाँ पे टावर है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्रेक हुआ है शायद आपके साथ में इनका, या फिर कुछ आप दोनों के बीच का जो फाउंडेशन है वो ब्रेक हुआ है और अभी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आंसर सीक करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन से आंसर सीक करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद अपने आप से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, या फिर अपने फ्रेंड्स से पूछ रहे हैं या फैमिली से पूछ रहे हैं। तो किसी से ये चाहते हैं कुछ सजेशंस अपनी लाइफ के लिए, कुछ सजेशंस मांग रहे हैं किसी से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सजेशंस सीख कर रहे हैं कहीं से, ये बहुत ज़्यादा एक तो परेशान दिख रहे हैं आपके पर्सन। अब ये आपसे रिलेटेड भी हो सकता है या फिर अभी इनकी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है क्योंकि ये कार्ड्स इनकी ओवरऑल लाइफ के हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में और बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ मेजर प्रॉब्लम चल रही है, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और उसके लिए किसी से हेल्प गाइडेंस सीख कर रहे हैं और ये मोस्टली किसी कमिटमेंट से रिलेटेड है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि ये आपसे रिलेटेड है क्योंकि ये कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जिस कमिटमेंट के अंदर इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या फिर प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे फोर ऑफ कप्स है, अभी ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है आपके पर्सन एक्वेरियस और ये ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में जो नेगेटिव चल रहा है सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो पूरा फोकस उसी वो प्रॉब्लम्स में ही है इनका, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में ही है, फिर इन्होंने बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ छोड़ दी, एज इन के उन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इनका ध्यान एक किसी चीज़ पर है जो इन्हें परेशान कर रही है और ये ऐसा टाइम है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंजेस आ रहे हैं एक्वेरियस। यहाँ पे आपकी तरफ में फाइव ऑफ वाटर इन रिवर्स आया है, हर्मिट आया है और एट ऑफ सॉर्ड्स आया है। यहाँ पे एक तो मुझे ये दिख रहा है कि आप कहीं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ मूव नहीं हो रहा है एक्वेरियस, आपको लग रहा है कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर आप शायद लाइफ के ऐसे एक स्टेज पे हैं जहाँ पे एक पॉज है, यू नो ऐसा लग रहा है कि आप
आप ब्रिज के किसी बीच बीच वाली जगह पे खड़े हैं, मतलब आपका पास्ट इधर है, आपका फ्यूचर इधर है, और आप प्रेजेंट में ऐसे ब्रिज पे खड़े हैं और आप वेट कर रहे हैं कि कब आप इस ब्रिज को पार करेंगे, या फिर कब आप उस साइड जाएंगे जब आपकी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी या फिर आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। क्योंकि आपकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्वेरियस मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हर्मिट भी है, जिससे समझ में आ रहा है कि शायद आप बहुत सारा समय अकेले में स्पेंड कर रहे हैं, या फिर आप डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी लाइफ में बहुत सारे आंसर सीक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपकी तरफ हर्मेट है और आपके पर्सन की तरफ में द हाई प्रीस्टेस है। तो क्या हमें समझ में आ रहा है कि आप भी बहुत सारे सवालों के जवाब चाहते हैं, और इसलिए शायद आप वो जवाब आइसोलेशन में सीक कर रहे हैं, या फिर डिवाइन से सीक कर रहे हैं, यूनिवर्स से सीक कर रहे हैं। सेम आपके पर्सन की एनर्जीज भी दिख रही हैं, काफ़ी सिमिलर ये दोनों एनर्जीज हैं। और जैसे आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं या फिर स्टक फील कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन भी स्टक और डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। तो आप बहुत बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं आपकी ओवरऑल लाइफ में। एक्वेरियस, यहाँ पे आपके कनेक्शन को लेके ये क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे फाइव ऑफ सॉर्ड्स है, ऐसा लग रहा है कि आपका और इनका कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अब उस कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या हुआ है ना कि इनके दिमाग पे उस कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है एक्वेरियस। तो अब आई डोंट नो कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, बट आपका और इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी झगड़ा आपका हुआ है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आपके कनेक्शन में आई हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स ने इनकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, और वो इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। ये रातों में सो नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं आपके और इनके कनेक्शन की, क्योंकि ये जो वाली रो है ये हमारी पूरी रिलेशनशिप की रो है। ठीक है, अब हम जो भी बात करेंगे आपके और इनके कनेक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपके और इनके जो लाइफ में आपका जो कनेक्शन है उसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं ये। तो फॉर श्योर जो आपका इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसकी वजह से इनके दिमाग पे और इनकी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो पहले तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके और इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है उस चीज़ का। और यहाँ पे टू ऑफ वांस यहाँ पे ये बता रहा है एक्वेरियस की ये ना आप खड़े हो के एक मौका ढूंढ रहे हैं, शायद मौका ढूंढ रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें कैसे सुधार सकें, या फिर एक मौका ढूंढ रहे हैं कि आपको कैसे अप्रोच करें, या फिर एक मौका ढूंढ रहे हैं कि सारी सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए। आपसे और इनकी जो साथ में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसको ठीक कैसे किया जाए। तो मोस्टली मुझे अभी तक जो रीडिंग में समझ में आया है, यहाँ पे भी स्टार कार्ड है, एस ऑफ अर्थ है और 10 ऑफ अर्थ है, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में हीलिंग आए और जो पास्ट में हुआ है उसको वो रिलीज़ हो जाए, एक आपके पर्सन आपको ऑफर दें और आप उनके साथ एक स्टेबल ज़िंदगी बिता पाएँ। तो जो एस ऑफ अर्थ होता है वो ऑफ़र का कार्ड होता है, कुछ मटेरियलिस्टिक कमिटमेंट से रिलेटेड ऑफ़र का कार्ड होता है। तो या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपको आके ऑफ़र दें, या फिर आप सोच रहे हैं कि आप उनको ऑफ़र दे दें, यू नो। तो वो मुझे यहाँ पे आपकी फीलिंग्स दिख रही हैं, और आपने शायद डिसाइड करके रखा है एक्वेरियस कि आपको इसी पर्सन के साथ में रहना है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ अर्थ है। तो ये दिख रहा है मुझे कि आपने सोचा है कि इस पर्सन के साथ आपको शादी करनी है और अपनी फैमिली बनानी है और अपना यू नो घर बनाना है। तो वो सारी आपकी एनर्जी फील्ड में इमोशंस मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे आपके पर्सन फिलहाल बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, हो सकता है एक्वेरियस कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया और इसीलिए अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल है जो कि ये बता रहा है कि ये बहुत ही इस रिलेशनशिप को लेके बहुत अकेला फील कर रहे हैं। तो या तो आपसे ये टच में नहीं है, कॉन्टैक्ट में नहीं है, या फिर कोई चीज़ आप दोनों के बीच में ऐसी हुई है जिस चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो यहाँ पे वो हर्ट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है 8 ऑफ पेंटिकल का, क्योंकि ये साइन बता रहा है, ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि जो भी कुछ आपके और इनके बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं उस पर काम करना चाहते हैं, उस पर यू नो मेहनत करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि ये किसी से सजेशन सीख कर रहे हैं या फिर एडवाइस सीख कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स से भी ये समझ में आ रहा है कि ये कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे कि इस प्रॉब्लम से निकला जा सके और आपका और इनका कनेक्शन स्मूथली आगे बढ़ सके, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसकी एनर्जी से निकलना चाहते हैं आपके पर्सन। और मुझे लगता है इसीलिए आपकी साइड भी स्टार कार्ड आया एक्वेरियस, शायद से आप भी चाहते हैं कि जो हुआ उसको हम भूल के एक नई शुरुआत करें।
तो वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट एनर्जीज़ हैं यहाँ पे एक्वेरियस आपके पर्सन की। ओ माय गॉड, मैंने स्पीकिंग अबाउट डिफ़िकल्ट एनर्जीज़, यहाँ पे टेन ऑफ वांड्स आया जो अगेन बता रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है इनके लिए। तो मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में कुछ मेजर हुआ है, मतलब आप इस कार्ड को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और ये आपके टूवर्ड्स, इस कनेक्शन की टूवर्ड्स इनकी फीलिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, मुश्किल हो रही है आगे बढ़ने में, बस खड़े होके देख रहे हैं कि कब मुझे एक प्रॉपर चांस मिलेगा कि मैं आगे बढ़ पाऊँगा अपने पर्सन के साथ में, या फिर हमारे बीच में चीज़ें ठीक हो पाएंगी। यहाँ पे अगेन एट ऑफ पेंटिकल से मेहनत करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर आपके पर्सन, तो बहुत ज़्यादा बर्डन मुझे फिर से दिख रहे हैं। यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स भी है, वाह। देखिए यहाँ, ओ आप देखिए, इनकी साइड से भी, इनकी साइड भी स्टार कार्ड आया है और आपकी साइड भी स्टार कार्ड आया है, टू ऑफ पेंटिकल, अमेजिंग। ओ माय गॉड, ओके। तो आई टेल यू कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आई एम सॉरी, मैं बीमार हूँ इसलिए मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन है अभी, और मेरी आवाज़ भी मुझे बहुत डिफरेंट लग रही है आज, पता नहीं क्यों। सो माइंड मत करना, ओके। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्टार कार्ड आपकी साइड भी था, स्टार कार्ड इनकी साइड भी था। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं या फिर कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि इस कनेक्शन को हील किया जाए और उस पर काम किया जाए, ठीक है। यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स आके मुझे ये बता रहा है कि आपका और इनकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही डीप बॉन्डिंग है। तो या तो ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर ये कोई आपका बचपन का कनेक्शन है। इस पर्सन को आप बहुत बहुत सालों से जानते हैं, और या फिर पास्ट लाइफ है, राइट। अब ये पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में ये चल रहा है कि जो कुछ भी हुआ है पहले, उससे हम निकल के और कुछ नया शुरू कर सकें, और उस नई चीज़ को शुरू करने के लिए यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स आया है, राइट। तो सिक्स ऑफ कप्स क्या बता रहा है, इस कार्ड को देखिए, ये बहुत ही ब्यूटिफुल सा कार्ड है। तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी में आए, मतलब आपके साथ मिलें, आपसे बातें करें, आपके साथ चीज़ें ठीक करें। और ना इनके दिमाग में एक और चीज़ चल रही है एक्वेरियस की, जैसे पहले आप जब स्टार्टिंग में आप और ये मिले थे, या फिर स्टार्टिंग में जब आपका कनेक्शन शुरू हुआ था, तो जिस तरीके से आप दोनों मिलते थे और जिस तरीके से आप दोनों बात करते थे, वैसा ही कनेक्शन ये आपके साथ में फिर से शुरू करना चाहते हैं एक्वेरियस। मतलब कई बार क्या होता है कि जब हमारे रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और चीज़ें बदल जाती हैं, तो कभी कभी नहीं हम बैठ के सोचते हैं कि पहले कितना अच्छा था, जब हम मिले ही थे तब हम कैसे बात करते थे, तब हम कैसे मिलते थे। तो उनके दिमाग में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। और अभी टू ऑफ पेंटिकल की यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है, मतलब ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा जगल कर रहे हैं पास्ट में और फ्यूचर में, मतलब इनके दिमाग में पास्ट भी चल रहा है और इनके दिमाग में फ्यूचर भी चल रहा है। ये पर्सन कैसे हो रहे हैं ना, अभी मैं आपको अगर एग्जैक्टली बताऊं तो इनके दिमाग में बहुत बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं एक्वेरियस, अभी बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं। तो कभी वो ये जो पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है उसके बारे में सोचते हैं, कभी ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं। और मैं आपको बार बार एम्फसाइज़ क्यों कर रही हूँ बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि ना ये बहुत ही अनस्टेबल अपने इमोशंस में फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ही इमोशनल हो गए हैं आजकल, मतलब शायद हो सकता है कि इनकी टेंडेंसी ना हो इतना इमोशनल होने की, बट आजकल ये बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। तो हो सकता है इनको ज़रा ज़रा सी बात पे रोना आ जाता हो, या फिर वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो आपने इनसे कुछ झूठ बोला है, या फिर आप इनको ऐसे टाइम पे छोड़ के गए जब आप इनको आपकी ज़रूरत थी, या फिर ना कुछ ऐसा आपके रिलेशनशिप में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ट्स है। तो इन्हें रिगार्डलेस ऑफ आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ हो, पर इन्हें क्या लगता है कि अच्छा जो रिलेट कर रहे हैं ना वही इसको खुद पे लेना, ठीक है। नहीं तो बाद में मुझे कमेंट पे ये मत बोलना प्लीज़ कि मैम आपने ऐसा कैसे बोल दिया, वगैरह वगैरह। तो मुझे जो कार्ड्स बोल रहे हैं मैं वही बताऊँगी आपको, राइट। तो यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ट्स से ये समझ में आ रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसे टाइम पे इनको छोड़ दिया जब शायद आपको इन्हें नहीं छोड़ के जाना था, जब इन्हें आपकी ज़रूरत थी, या फिर आपने कुछ झूठ बोला है इनसे जो इन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, या फिर आपने गुस्से में कुछ ऐसी बात बोल दी है जो इन्हें बुरी लगी है एक्वेरियस। तो वो बात थोड़ी सी पकड़ के बैठे हैं, और उस बात की वजह से ही इन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले
जैसा आपका और इनका बॉन्ड था वैसा कभी होगा या नहीं होगा, तो इसीलिए ना वो सारे थॉट्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही अकेलापन भी फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। अब ना यहाँ पे एट ऑफ कप्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल भी था, तो ये दोनों कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी बोल रहे हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कार्ड है, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो एट ऑफ पेंटिकल और एट ऑफ कप्स क्या बता रहा है यहाँ पे? एट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि जो भी कुछ आपके और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उससे ये निकलना चाहते हैं और आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जब एट ऑफ कप्स आता है तो एट ऑफ कप्स एक और चीज़ बताता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो ये उस प्रॉब्लम से आपको भी निकालना चाहते हैं। मतलब दोनों केस सिनारियो हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई बुरा वक्त चल रहा है या फेस चल रहा है तो उस फेस से ये निकलना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो उस प्रॉब्लम से आपको भी निकालना चाहते हैं। और एट ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पर, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये उस प्रॉब्लम आपके और इनके रिलेशनशिप को जो भी प्रॉब्लमेटिक फेस चल रहा है उससे निकलना चाहते हैं और साथ ही साथ उस पर काम भी करना चाहते हैं। मतलब ये पर्सन जो है ये एकदम रेडी है इस कनेक्शन पे काम करने के लिए। तो ये एकदम रेडी हैं बट अभी बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। मतलब यू नो इट्स लाइक कि कनेक्शन में तो ये चीज़ें सुधारना चाहते ही हैं बट साथ ही साथ ना ये ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं और कोई सपोर्ट सीख कर रहे हैं कि इनको कोई सपोर्ट मिल जाए। जैसे कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बताया था राइट, कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट सीख कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके और इनके कनेक्शन से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें भी कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं ये। और यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है एक्वेरियस कि ये ना इस रिलेशनशिप पे अगेन मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और इन्हें लगता है कि जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जो भी झगड़े होते हैं, जो भी मेरे पर्सन के साथ मेरी प्रॉब्लम होती है उससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि एक्वेरियस मेरे लिए सही है। तो ये कहीं ना कहीं एक इनर नोइंग होती है ना, जो हमें हमारे दिल में हमें पता होता है कि ये पर्सन हमारे लिए सही है, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी आ रही हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ रही हो। तो सेम वही चीज़ आपके पर्सन अभी फील कर रहे हैं कि आपका जो इनका और आपका जो बॉन्ड है, इनको पता है कि इन्हें लॉन्ग टर्म लेके जाना है चाहे बीच में कितनी भी मुश्किलें आएँ, बट शायद अभी बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे होंगे क्योंकि ये खुद अभी बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना एक्वेरियस के आपके पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए और थोड़ी स्पेस चाहिए जिससे कि यू नो वो अपने आप वाओ अमेजिंग। तो इन्हें थोड़ा टाइम और स्पेस चाहिए कि ये जो कुछ भी हुआ है उससे निकल पाएँ या फिर संभल जाएँ और आपके साथ चीज़ों को फिर एक नई दिशा में लेके जाएँ या फिर इनिशिएट करें। हाँ, तो वो हमें यहाँ पे चीज़ दिख रही है। मतलब अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप इस रीडिंग से रिलेट कर रहे हैं और आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, तो एक्वेरियस यहाँ पे उनके दिमाग पे चल रहा है कि उन्हें एफर्ट लगाना है। वो आपको एक पोटेंशियल पार्टनर भी देखते हैं बट यहाँ पे उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए, उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो पास्ट में हुआ है आपका और इनका, उस चीज़ से ये निकलना चाहते हैं बट इन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, उससे निकलने में। तो इन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी साइड से पेज ऑफ अर्थ आया है, मैसेंजर ऑफ वाटर आया है और टू ऑफ वाटर आया है। तो अगेन आपका और इनका जो बॉन्ड है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स आया था, राइट। तो आपको लगता है कि ये बहुत ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जैसा यहाँ पे स्ट्रेंथ से इनकी साइड से भी था और वैसे ही कुछ आप फील करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मैसेंजर ऑफ वाटर है जो कि ये बता रहा है कि आप अपना ऑफ़र जल्दी से जल्दी इनको देना चाहते हैं या फिर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि कब आप इन्हें अपने अपने मन की सारी बातें बता पाएँ, कब जो एक्चुअल आपकी फीलिंग्स है वो आप इनको बता पाएँ और कब आप दोनों एक प्रॉपर पीसफुल कनेक्शन में आ पाएँ, पीसफुल जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो वो एक आपकी साइड से मुझे दिख रहा है जो कि बहुत ही क्यूट सी आपकी फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे एक्वेरियस। यहाँ पे पेज ऑफ अर्थ है, हो सकता है आप इस पर्सन से किसी अपनी वर्क प्लेस पर मिले हों या फिर कहीं ना कहीं आपके करियर में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा हो,
तो पेज ऑफ अर्थ से दिख रहा है कि ये जो पर्सन है शायद इनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारी इक्वेरियस की करियर लाइफ पे भी है, तो वो मुझे यहाँ पे चीज़ दिख रही है। और साथ ही साथ पेज ऑफ अर्थ ये भी बता रहा है कि आप कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, वो तो हमें मैसेंजर ऑफ वाटर भी बता रहा है कि आप कुछ इनकी तरफ इनिशिएट करना चाहते हैं, आप इनसे बातें करना चाहते हैं, आप इनको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। अगेन सेम चीज़ें आपके कार्ड्स में रिपीट हो रही हैं एक्वेरियस। अभी हम चार्म्स भी देखेंगे, उसमें देखेंगे कि आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट वगैरह आता है कि नहीं, बट मैं और मैं आपको साइन भी बताऊँगी, पर मुझे ना अभी डिवाइन से पूछना है कि एग्जैक्टली आपके पर्सन स्टेप्स कब लेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यू नो। सो यूनिवर्स प्लीज ब्लेस अस विथ योर प्रेजेंस एंड गाइड अस। टेन ऑफ पेंटिकल, ओ माई गॉड, वाओ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एक्वेरियस बहुत अमेजिंग कार्ड्स हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल है और टेन ऑफ पेंटिकल आपकी साइड से भी आया था, तो हमने यूनिवर्स को ये पूछा कि क्या स्टेप्स लेंगे आपके पर्सन। तो यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल है, मतलब अपना ऑफर ये आपको देना चाहते हैं और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी शायद बहुत सारे लोगों के लिए वो इनके दिमाग में है और ये आपको ऑफर ज़रूर देंगे। देखिए यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल है, मतलब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फैमिली, बच्चे, पेट्स, घर, अबंडेंस, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब इनके दिमाग में बिल्कुल है कि ये आपके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और नाइट ऑफ पेंटिकल है। ओके, आपके लिए ना ये दोनों कार्ड्स का मतलब समझना भी बहुत ज़रूरी है एक्वेरियस, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स हमें सबसे पहले ये बता रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से नाराज़ हैं आपसे, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आपके साथ में कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। शायद आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर करना चाहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है जिसको ये क्लियर करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर साथ ही साथ आपसे थोड़ा सा लड़ना भी चाहते हैं, आपसे थोड़ी इनको शिकायतें भी हैं, वो भी क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव थोड़ी सी एनर्जी दिख रही है कि मुझे जाना है एक्वेरियस के पास और मुझे पूछना है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, यू नो। और साथ ही साथ यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल भी है, तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल क्या है? हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल, ये पेंटिकल का ऑफर है, यही पेंटिकल का ऑफर आगे जाके टेन ऑफ पेंटिकल में चेंज होता है, राइट? ये जो ऑफर जब आपको ये देंगे और आप इनका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो ये ऑफर कन्वर्ट होगा टेन ऑफ पेंटिकल में। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे एक्वेरियस, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल, और नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके दिमाग में तो पक्का पूरा का पूरा चल रहा है कि मुझे ऑफर देना है एक्वेरियस को, मुझे लॉन्ग टर्म एक्वेरियस के साथ रहना है, पर ये बहुत ही धीरे 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 चल रहा है इनके दिमाग में, यू नो, या फिर ये स्टेप्स बहुत ही स्लो लेंगे। अभी ये सब कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि अगर मैंने एक्वेरियस को ऑफर दिया तो आगे जाके कैसे होंगे लोग, कैसा होगा हम दोनों का रिलेशनशिप, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, इनकी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, हमारा फ्यूचर क्या होगा, तो या फिर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बोला है वही ये सोच रहे हो, ये कुछ भी सोच रहे होंगे, बट अभी ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं सोचने में और समझने में चीज़ों को। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़्यादा थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि ऑफ़र तो देना है बट दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप चार्म्स लिख के देखते हैं कि आपके पर्सन के अल्फ़ाबेट्स आते हैं कि नहीं। कई लोगों को पूरे पूरे नाम मिल जाते हैं और कई लोगों को अपने पर्सन की सरनेम, निकनेम का फर्स्ट लेटर मिलता है, तो लेट्स सी आपके लिए क्या है। बट उसके पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ, राइट? यहाँ पे हर्मिट है, हर्मिट वर्गो का साइन होता है, मतलब कन्या राशि। पहले हम फिक्स्ड देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर स्टार कार्ड है, स्टार कार्ड एक्वेरियस आपका साइन होता है, मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन भी एक्वेरियस हो या फिर कुंभ राशि हो या फिर ये सिर्फ आपकी एनर्जी हो, ठीक है। यहाँ पे द हायरोफेंट है, द हायरोफेंट टॉरस का साइन होता है और वृषभ राशि का साइन होता है। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है, अगेन द हाई प्रीस्टेस मेरे लिए वर्गो है, मतलब कन्या राशि है। और कौन से फिक्स साइन है यहाँ पे,
या एक्वेरियस आप यहाँ पे फिर से हैं. ऑलराइट. और बाकी जो बाकी के साइन हैं यहाँ पे कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कर्क राशि और मीन राशि और वृषभ राशि. राइट. और क्या यहाँ पे पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन भी हैं, मतलब कन्या राशि अगेन, टॉरस, वृषभ राशि या एंड कैप्रिकॉन्स मतलब मकर राशि. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं. ठीक है, तो सारी राशियाँ यहाँ पे हैं, तो आपके पर्सन कोई भी राशि के हो सकते हैं. लेट्स सी फर्दर एक कन्फर्मेशन डिवाइन की तरफ से चांस के थ्रू. शायद आपके पर्सन की मूछें हों या फिर आपकी हों, यू नो, तो दोनों में से एक चीज़ हो सकती है. यहाँ पे आउल है. आउल फिर से ये बता रहा है कि आपके पर्सन को प्रॉपर नींद नहीं आ रही है रात में, या फिर उनका स्लीपिंग शेड्यूल जो है वो पूरा गड़बड़ है, या फिर आपका भी हो सकता है. यहाँ पे की है और दो कीज़ हैं, तो ये कीज़ मुझे बता रही है कि अगर आप दोनों किसी मेजर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं एक्वेरियस, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको डिवाइन बताएंगे, मतलब आपको एक रास्ता मिलेगा या फिर एक दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा. तो वो मुझे यहाँ पे चीज़ दिख रही है. यहाँ पे बटरफ्लाई है. बटरफ्लाई ये बता रहा है कि आपका और आपके पर्सन का कि जो लव लाइफ है उसके कारण आप दोनों की लाइफ में बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं एक्वेरियस, मतलब आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा चेंज होगी इस कनेक्शन के थ्रू और आपके पर्सन की लाइफ भी बहुत ज़्यादा चेंज होगी. तो आप दोनों का इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा लाइफ में रहने वाला है. यहाँ पे पीस का साइन है, तो अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आपके पर्सन आपसे यू नो वो मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करना चाहते हैं. यहाँ पे हार्ट विथ विंग्स है, जो कि बताता है कि एंजल्स आपके कनेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्स आप दोनों के कनेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, यू नो. और यहाँ पे ये हैरी पॉटर वाला साइन है, तो हो सकता है आपके पर्सन को हैरी पॉटर पसंद हो या फिर आपको पसंद हो. और यहाँ पर है स्कॉर्पियो का साइन, तो हो सकता है आपके पर्सन वृषभ राशि हों या फिर स्कॉर्पियो हों. ठीक है, चलिए अल्फाबेट्स देखते हैं. अब यहाँ पे ए है, ओ है, ई है, आर है, जी है, एक्स, पी, यू, डी, ई, जी, आई, जे, टी, सी, एम एंड डब्ल्यू. तो देख लीजिए ओके, आपके पर्सन के आपके नाम के लेटर्स हो सकते हैं. एंड मुझे ये रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव लगी है. मुझे क्यों लगी है कि रिगार्डलेस ऑफ कि आप दोनों के बीच में कुछ यू नो प्रॉब्लम्स चल रही हो या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप का टफ टाइम चल रहा हो, बट एक्वेरियस सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप भी इस पे काम करना चाहते हैं और आपके पर्सन भी इस पे काम करना चाहते हैं. तो हम इसको पॉजिटिव ही मानेंगे, राइट. बट इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए और मुझे लग रहा है बहुत ही जल्दी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी. सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एक्वेरियस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.